मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायत समेत निकाय चुनाव संपन्न हो गए हैं और उन चुनावों में अपने अपने अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टियों ने धनबल और बाहुबल का खूब इस्तेमाल किया है। वहीं इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का कहना है कि मध्य प्रदेश में यह परंपरा 28 विधायकों के खरीद फरोख्त के बाद से शुरू हुई है, जो कि आने वाले भविष्य में प्रदेश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र को खत्म करना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक पाला बदलते हैं या बिक जाते हैं, उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। नगरीय क्षेत्र चुनाव के अभी अध्यक्ष के चुनाव होने वाला है, फिर जनपदों के हो गए हैं, लेकिन कुछ जिला पंचायत में अभी भी बाकी है। ये सिलसिला चालू हुआ जब 26-28 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और उसके से लगातार बाहुबल धनबल का प्रयोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगा है।